तो ये देखो हमारे गन्ने ना सबको परेशान करते हुए आ रहे हैं, बॉल हाथ में ले रखी है, ट्रॉली में बैठे हो, मस्त मौजी खा रहे हो, मोमो वगैरह खा के आए हम लोग। अभी हम लोग आए हैं सॉफ्टी खाने के लिए बर्गर किंग में। ये देखो सबसे प्यारी थीम ये लग रही है, हनुमान जी है ना शंकर भगवान की पूजा कर रहे हैं। देखो चलो भाई हमारी सबकी सॉफ्टी आ गई है। और बिलिंग के लिए देखो भीड़ कितनी भयंकर हो रही है। ओ भाई ये तो लफड़ा हो गया, विनीत को छोड़ दिया है मैंने यहाँ पे खेलने के लिए। हरे हरे शंभू शंभू। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के न्यू व्लॉग में। तो गाइस कल वाले व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे कि हमारी दिवाली की शॉपिंग जो है बाकी रह रही है। आज छोटी दिवाली है तो सभी को हैप्पी छोटी दिवाली। और आज हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए दिवाली की, इनको कपड़े दिलाने हैं बच्चों को, और नीतू को और विनीत को, सुभांशु को भी कपड़े लाने हैं। तो ऐसे करके बच्चों की शॉपिंग करनी है, शायद पापा के लिए भी लेके आएंगे हम कोई, शायद पापा के लिए भी लेके आएंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पिंकी स्क्वायर शॉपिंग करने के लिए दिवाली की। देखो बोलने ही नहीं दे रहा है, खुद ही खुद बोले जा रहा है। और ये अभी सो के उठा है फिर भी देखो इतनी शैतानी आ रही है इसको। तो अभी हम चार लोग ही जा रहे हैं, फिर वहां से नागिन आ जाएगी शायद। फोन करा था क्या तुम नागिन को? कितने बजे? 2 बजे। पांच क्या? पांच लोग जा रहे हैं यहाँ। तो चलो भाई चलते हैं और दिवाली की शॉपिंग करते हैं फाइनली। खैर पहले जैसी एक्साइटमेंट तो नहीं रही दिवाली की शॉपिंग की, पर फिर भी मैं तो अपने लिए तो कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, मेरे पास तो है मैं तो उनमें से ही पहन लूंगा। और नीतू को चाहिए नए कपड़े, यही रो रही थी रात को कपड़ों के लिए, कपड़े दिलाओ तो इनको दिला दे। अरे यार बताओ सर, यहाँ झूठ बोल रहे हो? झूठ बोल रहा हूँ, रोने लग गई थी गाइस भयंकर वाला, वहाँ बीच चौक में जाके लेट गई थी, कपड़े दिलाओ ऐसा मत करो मेरी जान। तो चलो फाइनली इनको भी कपड़े दिला देंगे बच्चों के साथ में, ये भी तो बच्ची है, छोटी सी बच्ची हो ना आप भी, है ना? आपको भी कपड़े चाहिए दिवाली के, क्या पहनोगे? फ्रॉक पहनेंगे गाइस, फ्रॉक दिलाएंगे इनको, नहीं वो गुड़िया वाली फ्रॉक होती है तो चलो गाइस चलते हैं शॉपिंग करते हैं दिवाली की। विनीत को भी कपड़े दिलाने, दिवाली के फर्स्ट दिवाली है हमारी विनीत की। तो चलो गाइस पहुंच गए हम लोग पिंक स्क्वायर, अब जा रहे हैं, पहले हम लोग जा रहे हैं रिलायंस में जाके देखेंगे क्या क्या कलेक्शन आया है कपड़ों का। तो चलो गाइस पहुंच गए हम लोग रिलायंस स्टैंड में, और विनीत को छोड़ दिया है मैंने यहाँ पे खेलने के लिए, मस्त खेल लेगा इधर उधर घूम के। देखो चलना सीख गया धीरे धीरे, ऐसे ऐसे चलता है, देखो ऐसे 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 चल, देखो इशारा भी करना सीख गया, कोई भी चीज़ चाहिए होता है इशारा कर देता है, वो चाहिए, क्या चाहिए विनीत, क्या चाहिए, वो बैठ गया। तो अभी सैम को ट्राई करवाए हैं ये वाले कपड़े, स्वेट शर्ट है और जीन्स है, सही लग रहा है ना? और एक ये वाइट वाली भी थी, ये वाइट वाली ट्राई करके दिखा दोबारा। तो ये देखो एक ये वाइट वाली टी शर्ट है, और विनीत को बैठा दिया है ट्रोली में, भाई साहब बैठने लायक हो गया, पहले तो छोटा था तो इसमें बैठा नहीं पाते थे। हाँ भाई साहब मजे आ रहे हैं, बॉल हाथ में ले रखी है, ट्रोली में बैठे हो, मस्त मौजी खा रहे हो, और बाबा जी क्या हुआ क्या हुआ, मम्मा को देख रहे हैं। तो गाइस अभी सैम के कपड़े फाइनल हो गए हैं, अब पापा के लिए कपड़े देख रहे हैं। पापा के लिए तो ये पैंट देख रहे हैं, अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा क्योंकि हमने शर्ट जो है ना वो ब्लू ली है, अब ब्लू के साथ में कौन सी पैंट का कॉम्बिनेशन बैठेगा वो समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे इतने सारे पैंट्स हैं, इनमें से कोई चूज़ करना पड़ेगा जो ब्लू के साथ में कॉम्बिनेशन बैठ जाए उसका। सो गाइस देखो यहाँ पे है ना गन्ने भी मिल रहे हैं भाई, और मात्र 13 रुपये का एक है, ये देखो 13 का है ना, 13 रुपये का एक गन्ना है। तो हम लोग को हमको ना गन्ने खाना बहुत अच्छा लगता है, तो हम तो खाने के लिए ले रहे हैं 5-6 गन्ने। तो ये देखो हमारे गन्ने ना सबको परेशान करते हुए आ रहे हैं, अरे उधर देख पीछे पीछे किसी की लगेगी, इतने सारे गन्ने लिए हमने। तो ये भाई साहब है जो ओवरलोड करके चल रहे हैं अपनी ट्रॉली को, 7 गन्ने हैं टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 गन्ने हैं ये भाई साहब, इनको अभी भी मैंने साइड में रोका है। और अभी कपड़े ले लिए हमने, सैम के ले लिए हैं, पापा के ले लिए हैं, अब देवांशी के बच रहे हैं, बच्चों के बच रहे हैं। अब हम लोग जाएंगे विशाल मेगा मार्ट, पहले गन्नों को हम लोग लग के आएंगे यहाँ पे हमारे मामा जी के घर पे, या तो या फिर देखते हैं क्या करते हैं इनका। अभी नीतू गई और गन्ने लेने के लिए, चलो मैं इनको कंपनी देख के आता हूँ। तो चलो गाइस और गन्ने ले लिए हमने, 7 थे अभी 4 और लिए आए हैं ना। अब दिक्कत सबसे बड़ी दिक्कत है इनको लेके जाना, इनको लेके कैसे जाएंगे घर तक, और अभी अपन को विशाल और चलना है। चलो तो सही देखते हैं क्या गाड़ी है ना अपने पास, तो गाड़ी है तो गाड़ी में भी ये नहीं आएंगे बेसिकली। इसके अंदर पूजा के लिए तो शायद 4 गन्ने ही होंगे, बाकी सब खाने के लिए है, इतना शौक है इनको खाने का। अब देखते हैं क्या करना है इनका। ये देखो हमारी गाड़ी सबसे अलग दिख रही है और सबसे अलग ही चल रही है गन्ने लेके।
ये देखो भाई साहब ढंग से चलाओ, आपका ओवरलोड हो रखी है आपकी गाड़ी। सो गाइज लिफ्ट में तो आए नहीं है हमारे गन्ने, तो हमको ऐसे सीढ़ियों से ही लेके जाना पड़ रहा है। बाप रे, आराम से आराम से। चलो भाई ये देखो वहां से उतार रहा है, हम लोग शर्ट गंदी हो गई मेरी तो पूरी। आराम आराम से है ना, आराम आराम से। ओ भाई ये तो लफड़ा हो गया, तगड़ा वाला दिक्कत हो गई यार ये तो। तो अभी हम लोग यहीं खड़े होके गन्ने खा रहे हैं, ये टूटा हुआ गन्ना लेके आए थे हम लोग अंदर से। ये देखो यहाँ पे छीलने लग रही है हमारे गन्ने, वहाँ है खड़े हुए। हाँ विनीत, साइड में लगी हुई हमारी गाड़ी गन्नों से भरी हुई। तो अब सबसे बड़ा टास्क है इन गन्नों को गाड़ी के अंदर एडजस्ट करना, देखते हैं क्या जुगाड़ लगाते हैं ये लोग। नीतू लगा रही है अपना दिमाग कि इनको ऐसे रख लो गाड़ी में। बेटी 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 ड्राइवर साइड कुछ भी नहीं, इधर आओ, छोड़ो मेरे को तो ऐसे रखोगे। तो ये देखो इन्होंने ऐसे रखे हैं, दिखाओ, ये वहाँ पे फंसा दिया है उधर और इधर पीछे ले लिया है। उससे अच्छा मेरे पास आइडिया है ना एक। तो गाइज ये देखो यहाँ पे देखो इस तरीके से हम लोगों ने फंसाए हैं गन्ने, और थैंक गॉड यार गाड़ी में आ गए, मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा। देखो वहाँ पीछे हमने पत्ते डाल दिए और इधर की साइड लगा दिए ड्राइवर साइड है, इधर दूसरी साइड है कंडक्टर साइड बोलते हैं जिसको, और यहाँ मस्त अब आराम से हम लोग विशाल जा सकते हैं। तो हमारा ये था कि हम लोग पहले घर जाएंगे इनको रख के आएंगे, पर अब काम हो गया, अब सीधा विशाल जा सकते हैं। और ये भाई साहब जी देखो मस्त ट्रॉली में मजे कर रहे हैं। भैया हाय। चलो भाई सब विशाल चलते हैं शॉपिंग करके आते हैं। चलो गाइस पहुंच गए विशाल मेगा मार्ट, अब बाकी की शॉपिंग यहां से करेंगे। विनीत तो सो गया है देखो मम्मी की गोद में, चुपचाप थक गया यार वो पिंकी स्काई में इतना खेल खेल के। चलो चलते हैं अब, हमारे गन्नों को यहीं छोड़ते हैं। सो अभी देखो विशाल मेगा मार्ट में शॉपिंग चल रही है भाई साहब की। हाँ भैया विनीत 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 शॉपिंग कर रहे हो क्या? नहीं है ना, तो देवांशी बोल रही है मेरे को ये दिलाओ 100 rupees का। आपने उसमें भी दिलाया था मेरे को केक डाइज़ में। यहाँ भी नहीं दिलाऊंगा ठीक है, ये सब बराबर। अर्जेंट भेजिए कुछ लोगों को ठीक है। तो मैं देवांशी को बोल रहा हूँ, देवांशी तेरा बर्थडे आ रहा है, बर्थडे पे गिफ्ट कर दूंगा देखो ये। हाँ मतलब बर्थडे पे गिफ्ट कर दूंगा ना मैं तेरे को। चलो ना क्यों लेट हो, तो क्या लेगी? तो चलो गाइस बिलिंग करवाते हैं, और बिलिंग के लिए देखो भीड़ कितनी भयंकर हो रही है, और हमारे पास इतना सारा सामान है, हमने डायपर भी ले लिए हैं बब्बू के बहुत सारे। तो गाइस ये है MI रोड की लाइटिंग, देखो मस्त सजा रखा है दीपावली पे। तो अभी निकल गए हम लोग विशाल मेगा मार्ट से शॉपिंग करके, भाई बच्चों के इतने सारे कपड़े लिए ना हमने। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस पिंकी स्क्वायर, क्योंकि देवांशी के कपड़े नहीं मिले हैं, तो अभी पिंकी स्क्वायर में ही देखते हैं देवांशी के कपड़े वहाँ मिल जाते हैं। तो दिवाली की वजह से इतना ट्रैफिक हो रहा है, लिटरली हम लोग रैंग रैंग के चल रहे हैं MI रोड पे, जो कि वन वे है सिर्फ। ये देखो सबसे प्यारी थीम ये लग रही है, हनुमान जी है ना शंकर भगवान की पूजा कर रहे हैं देखो। तो अभी आ गए वापस पिंकी स्क्वायर में, और गाड़ी जो है अभी मेरे साले है ना अभिषेक जी वो आ गए, तो वो लेके आ रहे हैं पार्किंग में, मैं आ गया हूँ। अभी मोमो वगैरह खा के आए हैं हम लोग, अभी हम लोग आए हैं सॉफ्टी खाने के लिए बर्गर किंग में, तो वो लोग आ रहे हैं अभी गाड़ी पार्क करके, वो आ जाएंगे जब तक मैं ऑर्डर वगैरह करता हूँ। तो अभी मैं तो आके बैठ गया हूँ बर्गर किंग में, अभी वो लोग आ रहे हैं गाड़ी पार्क करके आएंगे, टाइम लगेगा उनको शायद, क्योंकि दिवाली के लिए कपड़े खरीदने हैं। 9:30 बज गए रात के, हम लोग निकले थे दिन में 1:30 या 2 बजे, हाँ 2 बजे निकले थे हम लोग। चलो भाई हमारी सबकी सॉफ्टी आ गई है। हाँ भैया कैसी लग रही है? मस्त लग रही है भैया, कैसी लग रही है? विनीत विनीत को दी नहीं है, उसके जुकाम लग रही है इसलिए खा। अरे यार तो चलो गए इस पूरे पिंकी स्क्वायर में घूम फिर के आ गए हम लोग, नहीं दिवाली के कपड़े नहीं मिले। अब देखो कल दिवाली है और इसके कपड़े मिले नहीं, सबके कपड़े ले लिए, भैया के रह गए और देवांशी के रह गए, तो अब देखते हैं क्या होता है। तो चलो गाइस अब घर जा रहे हैं, और इस व्लॉग को कर रहे हैं यहीं पे ख़त्म। बहुत थकाने वाला व्लॉग था, रात के 11 बजने वाले हैं, सुबह के निकले हुए हैं हम लोग, शॉपिंग करिए पूरे दिन से घूमे फिरे, बच्चों के कपड़े लिए, देवांशी के कपड़े रह गए जो कि कल लेंगे, दिवाली है कल तो कल आना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली, और भैया के कपड़े लेने के लिए भी आना पड़ेगा। तो चलो आज के इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म, कल दिवाली है तो कल का व्लॉग जरूर देखना, मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। अब नहीं चिल्ला रहा, देखो कैमरा चालू करते ही अब चिल्ला नहीं रहा है।
that spark of light and see.